नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने जो वेब एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी यानी WIT की जो सीरीज स्टार्ट की है उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज। बिल्कुल सिंपल टर्म्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट को आप सभी अच्छे से जानते हैं, आप सभी अच्छे से इंटरनेट का यूज करते हैं, तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ऑन इंटरनेट वी कैन फाइंड वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट सच एज फेसबुक, ट्विटर। इंटरनेट का क्या काम है आप सभी अच्छे से जानते हैं। इंटरनेट आजकल हर एक फील्ड में यूज हो रहा है। आप सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इंटरनेट का यूज करते हैं। आप जो YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं ये भी आप इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं। तो इंटरनेट के बहुत से एडवांटेज हैं और बहुत से डिसएडवांटेज भी हैं, तो आप उनको भी अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे अगर आपसे इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। इंटरनेट के एडवांटेज क्या है कि आप इससे पढ़ सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इसको यूज कर सकते हैं, हर एक फील्ड में इसका यूज हो रहा है। और डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ा डर है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के चोरी होने का, स्पैमिंग होती है, साइबर क्राइम्स होते हैं, वायरस अटैक्स होते हैं, ये सभी इसकी डिसएडवांटेज हैं। सेकंड, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, आप सभी ने इसको कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा होगा WWW। तो ये क्या है? WWW विच इज आल्सो नोन एज ए वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेज। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझे तो ये कलेक्शन है वेबसाइट्स का और वेब पेज का जो वेब सर्वर्स में स्टोर हैं एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर्स थ्रू द इंटरनेट, और लोकल कंप्यूटर से कनेक्टेड है इंटरनेट के माध्यम से। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेट। जब आपके पास इंटरनेट होगा तभी आप इनका यूज कर सकते हैं। दीज वेबसाइट्स कंटेन टेक्स्ट पेज, डिजिटल इमेज, ऑडियोज, वीडियोज एटेक्सरा। यूजर कैन असेस द कंटेंट ऑफ दीज साइट्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द इंटरनेट। इन पे ये जो वेबसाइट्स है इन पे जो भी कंटेंट है, जैसे कि टेक्स्ट पेज हो गए, डिजिटल इमेज हो गई, ऑडियोज हो गई, वीडियोज हो गई, तो कोई भी यूजर इनको कैसे असेस कर सकता है? कोई भी यूजर इनको इंटरनेट के माध्यम से असेस कर सकता है। वो चाहे वर्ल्ड में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब से कोई भी इंफॉर्मेशन को असेस कर सकता है अगर वो उस पर मौजूद है। Using their devices such as computer, laptop, cell phones, etc. और कैसे असेस करता है, यानी आप किस तरह से यूज करते हो, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इनको यूज करते हो, WWW के ऊपर जो कंटेंट है आप उसको किस तरह से असेस कर सकते हो? कोई भी यूजर उनको कंप्यूटर्स के माध्यम से, लैपटॉप्स के माध्यम से, सेल फोन्स के माध्यम से उनका यूज कर सकता है। WWW along with internet enables the retrieval and display of text and media to your device. फिर आ जाता है होस्ट। A network host is usually a computer or any device that connects to a computer network. It provides information and facilities to other computer and their users. फिर आ जाता है डोमेन नेम। डोमेन नेम पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। और डोमेन नेम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से भी कई बार 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। डोमेन नेम्स आर द ह्यूमन फ्रेंडली फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एंड आर कॉमनली यूज टू फाइंड वेबसाइट्स। तो जो डोमेन नेम्स हैं ये ह्यूमन फ्रेंडली फॉर्म्स हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के। और इनका क्या काम है, इनको क्यों जाना जाता है, ये वेबसाइट्स के फाइंड करने के काम आते हैं। अ डोमेन नेम इज़ द ऑनलाइन आइडेंटिटी ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एस्टेब्लिशमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम इसे समझे तो डोमेन नेम क्या है? ऑनलाइन आइडेंटिटी है किसी पार्टिकुलर पर्सन की, किसी एस्टेब्लिशमेंट की या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की। इट इज़ अ परमानेंट एड्रेस दैट कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फिर आ जाता है वेब ब्राउजर। अ वेब ब्राउजर और ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन असेस वेबसाइट्स। पॉपुलर वेब ब्राउजर आप सभी जानते हैं, पॉपुलर वेब ब्राउजर्स को, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। ईच वेब ब्राउजर हैज इट्स ओन सेटिंग। अब ये जो वेब ब्राउजर है इनकी अपनी अपनी सेटिंग्स होती है एंड वर्क सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वेब ब्राउजर अलोज यू टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। इनका यूज क्या करते हो आप, जो वेब ब्राउजर्स है इनका यूज कैसे करते हो, क्यों इनका यूज किया जाता है? इनका यूज करके आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से।
फिर है आईपी एड्रेस, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी बोलते हैं, इज अ यूनिक सेट ऑफ नंबर्स असाइन टू अ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट यूजेस द इंटरनेट। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये क्या होता है, ये यूनिक सेट होता है नंबर्स का जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज को असाइन किया जाता है जो इंटरनेट को यूज करती हैं। आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन इंटरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्क। प्रत्येक कंप्यूटिंग डिवाइस का अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है। होम पेज, होम पेज को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, होम पेज इज़ द मेन पेज ऑफ ए पार्टिकुलर वेबसाइट। किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। जब आप किसी भी वेबसाइट में एंटर करते हो तो आमतौर पे जो उसका पहला पेज आपको देखने को मिलता है वही उसका होम पेज होता है। फिर है URL। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ लोकेटिंग अ रिसोर्स ऑन वेब। इट आल्सो सर्व्स एज ए मेथड ऑफ रिट्राइविंग लोकेशन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। फिर है सर्च इंजन। सर्च इंजन से आप सभी अच्छे से फैमिलियर हैं, आप सभी सर्च इंजन का यूज करते हैं। सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, यह एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है दैट वर्क्स टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका काम क्या है, यह इंफॉर्मेशन को सर्च करने के काम आता है वर्ल्ड वाइड वेब पे। कॉमन एग्जाम्पल क्या क्या है सर्च इंजन के, गूगल हो गया, याहू हो गया। इन प्रेजेंट टाइम ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग प्रेजेंट ऑन इंटरनेट। आज के समय में, आज के वर्तमान समय में अगर हम बोलें तो यह गलत नहीं होगा कि प्रत्येक चीज के बारे, प्रत्येक तरह की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में प्लीज़ जरूर बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।